हाय गाइस, आज की इस वीडियो में जो कि आप लोगों को हम बताने वाले हैं जो कि अपना वॉइस को कैसे रिकॉर्डिंग करें और कैसे जो कि अपना वॉइस को एडिटिंग करें, जो कि आज की इस वीडियो में जो कि आप लोगों को पूरा जानकारी के साथ आज की इस वीडियो में जो कि आप लोगों को हम बताने वाले हैं जो कि पीसी के माध्यम से। और इसके पहले वाले जो कि हम वीडियो में बनाए थे जो कि अपना वॉइस को रिकॉर्डिंग कैसे करें और एडिटिंग कैसे करें जो कि अपना मोबाइल के माध्यम से, तो जाइए गाइस, आपको हम डिस्क्रिप्शन में जो कि इसका लिंक डाल देंगे। और चलिए गाइस, जो कि आपको हम बताते हैं जो कि आपको पीसी में कैसे वॉइस को एडिटिंग करना है। मेन बात, यदि आपके पास पीसी होगा चाहे आपके पास जो कि लैपटॉप होगा, तो लैपटॉप में वॉइस को कैसे एडिटिंग करें, वॉइस को कैसे रिकॉर्डिंग करें, तो सारा चीज इस वीडियो के माध्यम से जो कि आप लोग को हम बताने वाले हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर को आपको यूज करना चाहिए जो कि फ्री होना चाहिए आपके पास, जो कि आपको पैड नहीं लेना है, जो कि आपको फ्री होना चाहिए और भी क्वालिटी के साथ, जो कि आपका क्वांटिटी वीडियो भी बन सकता है। एक वीडियो को बनाने से पहले जो कि आपका वॉइस जो कि अच्छा होना चाहिए, तभी जो कि आपका पब्लिक लोग वॉइस को मतलब कि सुनता है और जो कि वीडियो को देखता है। तो चलिए गाइस, जो कि आपको कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में जो कि आप लोग को हम बताने वाले हैं, तो आई होप कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है ताकि आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आप बेसिकली क्या होता है कि मोबाइल में हर लोग समझ जाता है, लेकिन लैपटॉप या पीसी में जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है समझने। थोड़ा सा गाइस, जो कि आपको स्टार्टिंग टाइम में वॉइस को एडिटिंग करने में जो कि आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन गाइस इस वीडियो के देखने के बाद जो कि आपको कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट जो कि इस वीडियो में हम सोल्व करते हैं और आपको हम सरल भाषा में जो कि आपको हम सिखाने की प्रयास करते हैं। उससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि आपको यहाँ यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता है और आपको हर एक सलूशन यहाँ जो कि इस चैनल के ऊपर देखने को मिलता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। तो चले गाइस, आज के इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं और चलते हैं जो कि हम लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। तो चले गाइस, आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर चले आना है और यदि आपके पास पीसी होगा तो आपको पीसी के स्क्रीन पर चले आना है। तो सबसे पहले इसको जाना है जो कि आपको गूगल क्रोम के ऊपर, और यहाँ पर जो कि हम एक जीमेल खोल लेते हैं और जो कि आपको गूगल पर यहाँ पर सर्च करना है जो कि यहाँ पर ओडासिटी डाउनलोड, तो यहाँ पर सर्च कर दिए। सर्च करने के बाद जो कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर दियो जो कि आपको नीचे आना है, यहाँ पर जो कि आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है फ्री डाउनलोड फॉर पीसी, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके जो कि आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पर पहले से हम डाउनलोड करके रखे हैं, उसके बाद चलिए गाइस जो कि आप लोग को हम बताते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद जो कि आपको कुछ इस प्रकार जो कि आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग टाइम में आपको जो कि यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला है, लेकिन आप सीखने का प्रयास कीजिएगा तो आप यहाँ पर सीख जाइएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं गाइस कि हम वॉइस को रिकॉर्डिंग कैसे करें जो कि आपको लाइव प्रूफ के साथ आप लोग को हम बताने वाले हैं। यदि आपको वॉइस को रिकॉर्डिंग करना रहे तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस जो कि यहाँ पर लाल का आइकन है, रेड का आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस जो कि यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया है और जो कि यहाँ पर देख रहे हैं जो कि यहाँ पर स्कैनर जो कि यहाँ पर वॉइस को स्कैन कर रहा है और यहाँ पर जो कि यहाँ पर वॉइस आराम से जो कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो यदि आपको यहाँ पर वॉइस को आपको रोकना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम वॉइस को मतलब यहाँ पर रुक गया है। यदि फिर से जो कि आपको वॉइस को रिकॉर्डिंग करना रहेगा तो आपको क्या करना है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर रेड के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं जो कि यहाँ पर फिर अपना वॉइस जो कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो सिंपली यहाँ पर जो कि यहाँ लाइव प्रूफ के साथ जो कि आपको हम बता रहे हैं कि वॉइस को रिकॉर्डिंग ऐसे होता है। उसके बाद जो कि यहाँ पर यदि आपको रोकना रहेगा तो यहाँ पर आपको वॉइस को यहाँ पर जो कि यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, और यदि आपको वॉइस को सुनना रहे को क्या करना है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ बटन चल जाता है। तो आपको हम समझा देंगे गाइस कि यहाँ पर वॉइस को कैसे रिकॉर्डिंग किया जाता है। यदि गाइस आप अपना वॉइस को जो कि आप पहले से रिकॉर्डिंग करके आप रखे हैं किसी फाइल में, तो आपको मतलब कि क्या करना है, यहाँ फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस जो कि यहाँ पर ओपन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस जो कि यहाँ पर सारा यहाँ पर वॉइस जो कि पहले से जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम किसी वॉइस को यहाँ पर उठाते हैं, उसके बाद जो कि आपको हम एडिटिंग करके आप लोग को हम दिखाते हैं। फाइनली गाइस यहाँ पर जो कि अपना वॉइस आ गया है, अच्छा वाला वॉइस आ गया है, तो इसको हम प्ले करके आप लोग को हम दिखाते हैं। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में जो कि आप लोग को तो प्ले करने के बाद देख रहे हैं जो कि वॉइस कुछ इस प्रकार देखने में लग रहा है। उसके बाद जो कि आपको हम एडिटिंग करके दिखाते हैं, एडिटिंग करने के बाद जो कि किस टाइप से यहाँ वॉइस को लगता है। उससे पहले जो कि आपको यहाँ पर समझा दें कि यहाँ पर बेसिक नॉलेज आपको पास क्या क्या होना चाहिए।
तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, जो कि यहाँ पॉज या फिर यहाँ पर पॉज कर सकते हैं, अपना वॉइस को यहाँ पर रोक सकते हैं। उसके बाद यदि आपको मतलब कि इसके इस बार को आप देख रहे हैं, इस मतलब कि यहाँ पर देख सकते हैं, तो यदि आपको यहाँ से जो कि वॉइस को स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर जो कि आपको बार को लाना है, उसके बाद जो कि यहाँ पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर जो कि आपका वॉइस स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपको वॉइस को मतलब कि स्टार्टिंग से सुनना है या फिर आपको स्टार्टिंग से अपना वॉइस को एडिटिंग करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर जो कि आपका वॉइस होगा जो कि यहाँ स्टार्टिंग से यहाँ पर क्लिक होगा, शुरू होगा। यदि आपको लास्ट करना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमको वॉइस को यदि हमको जूम इन करना है, तो यहाँ पर जो कि आपको प्लस के आइकन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर वॉइस मतलब कि जूम इन हो रहा है। यदि आपको वॉइस को जो कि यहाँ पर जूम आउट करना है, तो आपको माइनस के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर वॉइस जो कि यहाँ पर जूम आउट हो चुका है। और गाइस आपको जो कि यहाँ पर वॉइस को यहाँ पर जो कि आपको काटना है, तो काटने से पहले जो कि आपको माउस को यहाँ पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद जो कि यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपको जो भी पार्ट को काटना रहेगा जो कि यहाँ पर जो कि आप सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जो कि आपको यहाँ पर सिंपली कैंची के ऑप्शन के ऊपर जाना है, उसके बाद जो कि यहाँ पर कट हो गया। तो यहाँ पर जो कि कट करना बहुत ही आसान है। यदि गाइस आप कोई भी पार्ट को यहाँ पर जो कि आपको बैक फिर से आना है, तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर अंडो का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस जो कि हम फिर से वापस हम आ गए हैं। उसके बाद जो कि सबसे पहले जो कि आप लोगों को हम बताते हैं कि अपना वॉइस में जो कि अपना बैकग्राउंड को कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि यार जब हम वॉइस को रिकॉर्डिंग करते हैं, चाहे हम वीडियो को बनाते हैं, तो जब बनाने के दौरान क्या होता है कि हम पंखा को चलाते हैं या फिर जो मेरा सिस्टम में बहुत सारे जो कि यहाँ पर पंखा लगा हुआ रहता है, तो मेरा वॉइस को जो कि यहाँ पर क्लियर वे में सही से यहाँ पर वॉइस को नहीं देता है। तो हम अपना वॉइस को मतलब कि यहाँ पर एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले जो कि आपको वॉइस को यहाँ पर जूम इन करना है। जूम इन करने के बाद जो कि आपको यहाँ पर एक पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पर जो कि आपका वॉइस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कि गाइस यहाँ पर वॉइस को यहाँ पर जो कि हम सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद जो कि आपको जाना है इफेक्ट के ऑप्शन के ऊपर। इफेक्ट के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद जो कि यहाँ पर जो कि आपको जाना है नॉइज रिडक्शन के ऊपर। नॉइज रिडक्शन के ऊपर जाने के बाद जो कि आपको यहाँ पर जाना है जो कि यहाँ पर गेट नॉइज प्रोफाइल के ऊपर। उसके बाद जो कि आपको यहाँ पर डबल बार यहाँ पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद जो कि आपको यहाँ पर जाना है जो कि यहाँ पर रिपीट नॉइज रिडक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि जो मेरा वॉइस में जो कि यहाँ पर नॉइज था जो कि यहाँ पर से रिमूव हो गया है। उसके बाद जो कि आपको सबसे पहले जो कि इफेक्ट के ऑप्शन के ऊपर जाना है, और यहाँ पर जो कि आपको सबसे पहले जो कि यहाँ पर कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने से क्या होगा जो कि आपका आवाज़ ऊंची नीच होगा, जो कि कभी आपका आवाज़ स्लो होता है, कभी आपका आवाज़ जो कि ऊंचा की ओर मतलब कि उठता है। तो कंप्रेस करने से क्या होगा, आपका आवाज़ यहाँ पर मिलाने का काम करता है। तो यहाँ पर जो कि आपको ओके करना है। इसके बाद गाइज आपको जाना है इफेक्ट के ऑप्शन के ऊपर। इफेक्ट के ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद जो कि यहाँ पर आपको जाना है ग्राफिक इक्यू के ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पर फिर जाना है जो कि आपको मैनेज के ऊपर, और यहाँ से जो कि आपको फैक्टरी यहाँ पर जो कि यहाँ पर फिर एक बार जो कि आपको ट्रेबल बूस्ट करना है। एक बार गाइस जो कि आपको मतलब कि यहाँ पर बास बूस्ट करना है, उसके बाद जो कि आपको यहाँ पर एक बार ट्रेबल बूस्ट करना है, जो कि आपका आवाज़ कभी तीखी निकलता है, कभी आपका आवाज़ जो कि ऊँचा होता है, और यहाँ पर जो कि आपका आवाज़ में जो कि यहाँ पर बास देखने को मिलता है। तो सारा चीज़ यहाँ पर जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता है। तो गाइस यहाँ पर ओके हमको करना है। तो ओके करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस जो कि यहाँ पर आवाज़ जो कि यहाँ पर नीचा हो गया है। तो इस प्रकार जो कि आपको एडिटिंग करना। और गाइस आपको जो कि आपको नेक्स्ट इफेक्ट बताते हैं जो कि यहाँ पर मोटिवेशनल जो कि आपका वीडियो दे रहता है। तो आपको जो कि यहाँ पर रिवर का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। रिवर बेसिकली क्या होता है, जो कि आपका वॉइस मतलब कि इको करने का काम करता है, और जो कि आपका वॉइस बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि हम जब हम प्रीव्यू करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ आज की इस वीडियो जो कि आप लोगों को अनबॉक्सिंग करने वाले। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि हम जब हम इसको हम प्रीव्यू करके हम देखें, तो यहाँ जो मेरा आवाज़ था जो कि पूरा मोटिवेशनल जस्ट लाइक लग रहा था। तो यहाँ पर गाइस जो मेरा वॉइस था जो कि यहाँ पर मोटिवेशनल नहीं था, तो इसको मतलब कि हमको इनेबल नहीं करना है। यदि आपके पास यदि आप कोई वीडियो मोटिवेशनल बनाना चाहते हैं, तो इस सेटिंग का आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपना हिसाब से जो कि आपको यहाँ पर सेटिंग को छिड़खानी करके देखना है। क्योंकि यार सबका अपना अपना वॉइस होता है, किसी मतलब कि दूसरे आदमी से आपका वॉइस जो कि यहाँ पर कोरिलेट नहीं कर सकता है। तो अपना अकॉर्डिंग जो कि अपना यहाँ पर वॉइस देख लेना है, यहाँ पर जो कि यहाँ पर घटा बढ़ा के यहाँ पर जो कि अपना वॉइस को यहाँ पर देख लेना है, और यहाँ पर जो कि हम सब -5 यहाँ पर रखना पसंद करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सारा सेटिंग जो कि आपको देखने को मिलेगा, तो इसको हम कैंसिल करना है। उसके बाद जो कि आपको फिर जो कि यहाँ पर आपको जाना दे आपका वॉइस में जो कि यहाँ पर ट्रेबल बूस्ट ज़्यादा लग रहा है, या फिर जो कि आपको यहाँ पर बास बूस्ट ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर जो कि आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के ऊपर आना है, उसके बाद जो कि यहाँ पर वॉइस को और
यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि गाइस हम यहाँ पर इसको यहाँ पर हम करते हैं, उसके बाद यहाँ पर ओके करते हैं। तो ओके करने के बाद देख सकते हैं गाइस जो कि मेरा वॉइस कितना लाउड हो गया है, तो इसको मतलब कि यहाँ पर और भी मेरा आवाज़ जो कि यहाँ पर आवाज़ देता है। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में जो कि यहाँ पर बुरा आवाज़ में जो कि यहाँ पर लाउड हो गया है, जो कि बहुत ही ख़राब लग रहा है, इसको थोड़ा सा हम इसको हम डिसेबल करते हैं। यदि आपको कोई भी एक मतलब कि पीछे आपको आना है, तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर जो कि आप एक पीछे आ गए हैं, तो जो मेरा आवाज़ अब देखिएगा जो कि यहाँ पर परफेक्ट हो गया, बहुत ही अच्छा जो कि आपको आवाज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको हम क्लिक करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि वॉइस बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्रिस्पी लग रहा है। आई होप कि आप लोग वॉइस को एडिटिंग करना सीख गए होंगे। सबसे पहले जो कि आपको जाना है इफेक्ट के ऑप्शन के ऊपर, उसके बाद सबसे पहले जो कि आपको यहाँ पर कंप्रेस करना है, कंप्रेस करने के बाद जो कि आपको फिर जाना जो कि यहाँ पर ग्राफिक के ऑप्शन के ऊपर, उसके बाद जो कि यहाँ पर दो ऑप्शन आपको यहाँ पर इनेबल करना है, एक मतलब कि यहाँ पर ट्रेवल बूस्ट होगा, उसके बाद जो कि आपको यहाँ बास बूस्ट होगा, तो दो चीज़ आपको यहाँ पर सेटिंग कर लें। फाइनली गाइस कुछ इस प्रकार जो कि यहाँ पर वॉइस मेरा जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा। यदि आपको इस वॉइस को जो कि यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए जो कि आपको जाना फाइल के ऑप्शन के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस जो कि यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपको एक्सपोर्ट करना सबसे अच्छा जो कि यहाँ पर वेब में रहता है, क्योंकि वेब में क्वालिटी और भी अच्छा रहता है। वेब के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद जो कि यहाँ पर सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो कि यहाँ पर ओके कर देना है। तो जो कि मेरा वॉइस था जो कि यहाँ पर सेव हो गया है, और अपना जो कि वीडियो में इस्तेमाल कीजिए, और अपना वॉइस को जो कि अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव सभी लोग को दिखाइए। तो चलिए गाइस आप लोग यहाँ पर, आई होप कि आप लोग को कैसा लगा वीडियो, जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट कीजिए। और यदि आप लोग को वॉइस एडिटिंग करने के लिए आप लोग सीख पाए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ ऐसे ही वीडियो देखने को मिलता है, नॉलेजेबल से नॉलेजेबल इस चैनल के ऊपर वीडियो देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक ऊपर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।